कल जो है एक रुको रुको जी, कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए प्रत्याशियों की घोषणा की है। पहले 39 प्रत्याशी घोषित किए थे, हम सब थोड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए फिर 39 कर दिए, अभी तक 78 कितने होंगे 78 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे इतने प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, आदरणीय कैलाश जी होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इस ताकत को चारों कोनों पर मुस्तैद और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने को ताकत के साथ मैदान में हमारे नेतृत्व ने, अनुभवी नेतृत्व, संघर्षशील नेतृत्व, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के काम को अपने अथक मेहनत से खड़ा किया है, आज वो मैदान में उतरे हैं और नई ऊर्जा के साथ नए नौजवानों को भी अवसर दिए हैं, हमारी बहनों को भी अवसर दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को मैदान में उतार दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार करता हूँ, सभी प्रत्याशियों को जो पहले 39 हुए थे और फिर 39 घोषित हुए, सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ मैदान में उतर गए हैं।